हाँ भाई, भाइयों दो मैच रह गए फिर हम वर्ल्ड कप की तरफ रवाना हो रहे हैं। एक मैच आज है, अब देखते हैं। पहला मैच तो बारिश के नजर हुआ, दूसरे में हम जलील हो गए। अब आज तीसरा मैच है और उसके बाद फिर हम, अगर आज कुछ इज्जत रह जाती है तो सीरीज बचेगी, वरना ये वाली सीरीज भी हम हार जाएंगे, जो कि हम बाकायदा नाकामी से हारते नाकामी देखते चले आ रहे हैं। और हम क्रिकेटिंग फैन बेइज्जत होते चले आ रहे हैं पूरी दुनिया में ये हम। और फिर सबसे बड़ा और गुस्सा क्या आता है कि सीख नहीं रहे, सीखते नहीं है। और अगर सवाल करो या पूछो, सब तो अच्छा है, नहीं, अब तो ये अच्छा था, नहीं, ये अच्छा था। अब आप मोहम्मद यूसुफ का लास्ट बयान सुन लें, वहाब रियाज की बातें सुन लें, सिद्ध सिलेक्टर्स उनकी बातें सुन लें, चेयरमैन साहब की बातें सुन लें, कप्तान साहब की बातें सुन लें, किसी क्रिकेटर की बातें सुन लें, अच्छा किसी भी खिलाड़ी के बारे में अगर कोई सवाल उठेगा ना, एक ये एक नया अच्छी टेक्निक है, किसी भी सर खिलाड़ी के, सीनियर खिलाड़ी के बारे में अगर कोई बात हो जाए ना कि यार इसकी परफॉर्मेंस ये, थोड़ा ट्वीट्स आने शुरू हो जाएंगी दूसरों की, ठीक है ना। अब विद इन टीम के अंदर ही ट्वीट्स लेने, शादाब विल डू बेस्ट, ओ साहिम विल डू बेस्ट, बाबर विल डू बेस्ट, शाहीन विल डू बेस्ट, पता नहीं क्या क्या कहानी आती है। अरे भाई, चूरन नहीं बिकता, खुदा का वास्ता, या आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल लीजिए। आप एक ये विल डू, ये ट्वीट करने से नहीं होता, वो जाओ, वो तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे साथ टूर पे ही है, उससे वहीं पे बात कर लो। ये चूरन ट्वीट करके ना दुनिया को दिखा के ना, ये लॉलीपॉप नहीं चलती है। जो भी ये कर रहा है ना, ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, एक साल हो चुका है ये कहानी को। वो पता नहीं क्या था वो, हाँ सोचना भी मना है, वहां से ही स्टार्ट हुआ था ड्रामा। और ये चला रहा चला रहा चला रहा चला रहा, वो याद होगा आपको, एक हैशटैग था सोचना भी मना है, याद है आपको। और अब खबर ये है कि शायद शाहिन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन की ऑफर हुई और उन्होंने ठुकरा दी। ठुकराना तो बनता था कि भाई कप्तान से मैं डायरेक्ट वाइस कप्तान कैसे आ जाऊंगा, पहले एक बेइज्जती सह चुका हूँ, अब नहीं लेनी मैंने जिम्मेदारी, अब जिसने भी बनना है वाइस कप्तान बन ले, मैं नहीं बनने वाला। चले, अब आज मैच है, आपको क्या उम्मीद लगती है? मुझे तो यार बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और सिर्फ इस क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, अगर आप फिर सायम अय्यूब को खिला लेते हैं, अगर आज सायम अय्यूब नहीं खेलता, अब मैं आज आपको गारंटी बता रहा हूँ, सायम अय्यूब नहीं खेलता आप ये मैच जीत जाओगे। अगर आपने सायम अय्यूब को फिर प्लेइंग 11 में खिलाया ना, आप मुश्किल में आ जाओगे। क्योंकि इसकी रीज़न ये कि ओपनिंग के तौर पर सायम अय्यूब अगर जल्दी आउट हो रहा है ना और स्कोर नहीं कर रहा है ना, तो आने वाले बैट्समैन पर प्रेशर आता है, फिर वो अटैकिंग क्रिकेट के बजाय शुरू की दो तीन बॉलें डॉट खेल लेता है, फिर दो तीन डॉट बॉल के बाद जो दूसरा धैर्य जो ओपोनेंट है, वो भी कोई चूड़िया तो पहन के आया ही नहीं, वो भी कोई अच्छी बॉलिंग करा ही देगा, तो जब अच्छी बॉल आती है तो फिर आप उस पर, जितना भी बड़ा प्लेयर वो शॉट नहीं मार पाता है, तो इस तरह फिर समझिए दो बॉल वो डाइज आए कि दो बॉल अगर उसने अच्छी करा दी तो चार बॉल तो यही हो गई, तो ये पूरे ओवर का एक तो सिचुएशन बन गई, उस पर एक पे बॉल आउट हो चुका होगा तो ओवर ही खत्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट। ये तो कहानी ये बन रही है कि भाई सायम अय्यूब को बाहर करो, आज के मैच में सायम अय्यूब नहीं होना चाहिए, और अगर आज भी होता है तो फिर वही जो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि यार ये किसकी पर्ची है, यकीन कीजिए ये सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं कि कौन है जिसको इतने मौके मिल रहे हैं, किसकी ताकत है जिसको बार बार सेलेक्ट कर रहा है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी बार बार ये टीम में वापस आ जाता है, वापस क्या आ जाता है, टीम में सेलेक्ट हो जाता है, गया ही नहीं होता है तो वापस क्या आएगा। खैर, उसके बाद अगर आपने जीतना है भाई तो आप बाबर या रिजवान ओपनिंग कर लें, उसके बाद फखर जमान तीसरे नंबर पे खेल लें, उस्मान खान को मौका दीजिए, शादाब को बिठाइए, शादाब की जगह पर बरार को लेकर आइए, उसके बाद फिर आप हिमात तो बेहतरीन है, आजम खान भाई क्या कर रहे हैं आजम खान साहब, बहुत मौके मिल रहे हैं आपके। और आपने जो एक चूरन बेचा था कि यार वो क्या था, हम कोई रोबोट नहीं कि हम बटन दबाएं तो हम छक्के मारना शुरू कर दें, तो भाई मेरे ये दो मैच बचे हैं, कुछ कर लो, इसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद नहीं करोगे तो फिर नहीं शिकायत करना कि यार मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है ना। तो आपने मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूजीलैंड टूर जब ख़त्म हुआ था तो आपने कहीं, मैंने बयान पढ़ा था, आपने शायद किसी को कहा था कि पूरा मौका दें हम मुझे, फिर मैं परफॉर्म ना करूं तो मैं खुद उठ के चला जाऊंगा, ठीक है ना, मैं कहीं कुछ इसी तरह का लबोलबाप था। तो मेरे दो, उसके बाद फिर मैंने एक और आपका अभी इंटरव्यू कहीं पर पढ़ा या कहीं था कि आपने बोला शायद कि हम रोबोट नहीं है कि हम बटन दबाएँ छक्के मारना शुरू हो जाए, तो यार मुझे दूसरे और टीम के लोग छक्के मार रहे हैं क्या, वो क्या है, या इवन आपकी टीम के लड़के छक्के मार रहे हैं वो क्या है, फखर जमान जो लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं वो क्या है, आप तो नेट पे मैंने देखा लंबे लंबे छक्के मारते हैं। यकीन करो आजम खान उस्मान खान बनते हैं, वो आसिफ अली बनता जा रहा है, और आजम खान अगर आसिफ अली बनता जा रहा है, आसिफ अली आपको पता है नेट पे बड़े बड़े छक्के मारता था, लेकिन जब ग्राउंड में आ जाता था तो आसिफ अली से शॉट्स लगते थे,
अगर आप 10 मैचों में से भी दो मैच परफॉर्म करता, 20 मैचों में से भी दो मैच परफॉर्म करता था आसिफ अली, तो आजम खान साहब के पास भी मौके चलने, और उसके बाद फिर आजम खान शिकायत ना करें कि मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रही है, छक्के तो भाई बन ही नहीं रहे ना, मेरे तो समझ नहीं आ रहा आजम खान जिस चीज़ के मशहूर है वो छक्के तो लग ही नहीं रहे, और जिस तरह के लंबे लंबे छक्के फखर जमान ने मारे दूसरी T20 में और इफ्तिखार ने मारे, वो आजम खान जो मशहूर है वो उसका नहीं लगे तो बड़ी हैरत की बात है। और मैं अभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आजम खान को भी जितना मौके मिल रहे हैं उसको में से वो अवेल कर लेगा और परफॉर्मेंस दे देगा, वरना यार फिर ना सवाल हमें भी उठाना पड़ेगा, हम किसी की फेवरेटिज्म तो लेते नहीं हैं, हम तो जब कहते हैं यार इसको मौका दो, फुल खुल के मौका दो, ये पाकिस्तान टीम के लिए कुछ करेगा और हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एक जैसे हमने साहिब अयूब को शुरू में बहुत सपोर्ट किया, एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, अब हमें लग रहा है कि अब बर्डन बनता जा रहा है, क्योंकि साइम खुद सीखना नहीं चाह रहा अपनी गलतियों से, साइम अपनी गलतियां सुधारना नहीं चाह रहा है। इसी तरह आजम खान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, अपने शॉट्स को पे तवज्जो नहीं देंगे कि जिस तरह के शॉट्स मुझे खेलने चाहिए वो मैं नहीं खेल रहा हूँ और वो इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल के आउट हो रहा हूँ, तो वो चीज़ें अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो फिर वर्ल्ड कप के बाद, मैं फिर बोल रहा हूँ वर्ल्ड कप के बाद, फिर इसी तरह पे आप पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा जो आज साहिब अयूब पे हो रहा है। फिर रही भाई शादाब, खुदा के वास्ते ना शादाब की जगह बनती है प्लेइंग 11 में, ना साहिब अयूब की जगह बनती है प्लेइंग 11 में, चाहे ये सीरीज कह लो चाहे वर्ल्ड कप कह लो, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, सिलेक्शन का जो भी सिलेक्शन ले रहा है, डिसीजन ले रहा है सिलेक्शन का, उसको सोचना पड़ेगा। मैं पहले साहिब अयूब की जगह नहीं बन रही है, ओपनर आप चेंज करें, बाबर ऊपर चले जाए, मिडल ऑर्डर उस्मान खान ले आए, शादाब को हटाएं, शादाब की जगह आप एक प्रॉपर स्पिनर लेकर आए, एबरार को लेकर आए, क्योंकि दुनिया भर में एक प्रॉपर स्पिनर होता ही है ना, आपके पास एक ऑलराउंडर के तौर पे मौजूद है ना इमाद वसीम, तो क्या जरूरत है शादाब खुद के नाम पे, एक ऑलराउंडर के नाम पे शादाब को खिलाते हुए क्या फायदा, जो 50 रन खा रहा है, रन स्कोर नहीं कर रहा, तो फायदा एबरार को रखें एज अ प्रॉपर स्पिनर के तौर पर और उसको प्लेइंग 11 में खिलाएं, दो स्पिनर लेके जाएं, तीन फास्ट बॉलर ले लें, अब आपकी मर्जी है कि इसमें डिशफल करते रहें, किसको बैठाना है, नसीम को लाएं, किसको बैठा रहा है, हारिस को लाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैच जीतना ज़रूरी है। अब आप आर या पार वाली सिचुएशन पे खड़े हैं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है, हम नॉकआउट स्टेज पे आ चुके हैं, नॉकआउट स्टेज की ये सीरीज स्टार्ट नॉकआउट है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप भी हम नॉकआउट स्टेज पे होंगे, वो इसलिए क्योंकि इस परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इंडिया से तो मैच जीतने वाले नहीं है, तो जब हम इंडिया से मैच नहीं जीतने वाले हैं तो हमारे लिए हर मैच नॉकआउट है, और इसलिए कि हम ये दो मैचेस जीतेंगे तो हम ये सीरीज जीतेंगे, इनमें से एक मैच भी हारेंगे तो ये सीरीज तो गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम USA से हार गए तो हमारे गले आ जाएगी कहानी, कनाडा, USA, Canada हमारे लिए जो शुरू के दो मैचेस हैं ये नॉकआउट स्टेज के मैचेस होंगे, क्योंकि फिर हम इंडिया वाला, हमें पता है हम जीतने वाले तो है नहीं, अगर हम इंडिया वाला हार गए तो हमारे गले आ जाएगी कहानी, तो इंडिया वाला ठीक है चलो अब हार जाए तो फिर, लेकिन उसके बाद हमारे पास बैठेगा आयरलैंड, हमें वो आयरलैंड भी नॉकआउट पे चला जाएगा, क्योंकि अगर हमें सुपर एट में जाना है, ठीक है, तो अगर हमें सुपर एट में जाना है और पहली इंडिया पहली पोजीशन तो भी छोड़ दीजिए अपने ग्रुप ए की, अगर हमने दूसरी पोजीशन भी लेनी है ना तो ग्रुप ए में, तो फिर हमने USA, कनाडा और आयरलैंड को हराना है, तो समझिए सार आज से लेके जो आयरलैंड के मैच तक हम नॉकआउट स्टेज खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया एक वाहिद मैच होगा जो हमें सिर्फ ये उम्मीद दे देगा कि क्या पता हम इंडिया को हरा दें, लेकिन अगर हम इंडिया से हारते हैं तो कम से कम ये नहीं होगा कि हम टूर्नामेंट से बाहर होंगे, लेकिन अगर हम USA, कनाडा और आयरलैंड में से किसी एक से भी हार गए ना और साथ में इंडिया से भी हार गए तो फिर हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और हमारा सफर वर्ल्ड कप में ना बकरीद से पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, ईद जो आ रही है ना, ईद से पहले हम टूर्नामेंट से बाहर होकर घर आ चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद सुपर एट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईद से दो दिन पहले या एक दिन पहले से सुपर एट के मैच शुरू हो जाएंगे, तो हम आ गए हैं बिल्कुल गले में, हमारे यहाँ से सफर शुरू हो रहा है आज के मैच से लेके आयरलैंड के मैच तक हम नॉकआउट स्टेज खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी आप उम्मीद करते हैं कि कुछ अक्ल के नाखून लेंगे, आप अपने कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बाकी आप मेरी राय से कितना इतफाक करते हैं कि ये नॉकआउट स्टेज पर हम आ चुके हैं और हम इंडिया को हरा नहीं पाएंगे जो हालात चल रहे हैं, अगर हम ये नॉकआउट स्टेज, अगर ये सीरीज हार गए इंग्लैंड वाली जो आज का मैच क्रूशल मैच है, और अगर हम हार गए तो फिर समझिए कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हमने इंग्लैंड को हरा दिया तो हम 80% चांस होगा कि हम पाकिस्तान
70 कर लें, 80 में थोड़ा ओवर हो गया, लेकिन 70 कर लें तो शायद हम पाकिस्तान नहीं इंडिया को हरा पाए तो हरा पाए, वरना इस टाइम इस करंट जो परफॉर्मेंस है ना उससे तो नामुमकिन सी बात है। कमेंट्स पर रिप्लाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़।